बिलासपुर जिला के झंडूता में तैयार किया जा रहा कोकून एशिया में उत्कृष्ट आंका गया है। उत्पादन के लिए वातावरण सबसे अनुकूल होने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी सर्वाधिक है। जिला बिलासपुर में कुल रेशम उत्पादन का 45% झंडूता में ही तैयार हो रहा है। उपमंडल में अभी 2 रेशम पालन केंद्र संगासवी और बढ़ोलिया में संचालित हैं, जबकि 4 नए झंडूता, मरोतन, बाला और सेरवा में स्वीकृत हुए हैं। इस बाबत 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय में रेशम उत्पादन के आंकड़ों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। खास बात यह है कि झंडूता में प्रदेश का 10वां रेशम पालन डिवीजन खोलने की भी तैयारी चल रही है। ये जानकारी झंडूता के विधायक जीआर कटवाल ने दी। चुनाव क्षेत्र में बिलासपुर जिले की जो सिल्क उत्पादन है उसका 45% योगदान झंडूता चुनाव क्षेत्र से होता है, और संगासवी एक मेरे चुनाव क्षेत्र में एक जगह है, उसमें जो सिल्क उत्पादन होता है वो एशिया में बेस्ट कहा जाता है, आकलन हुआ है उसका। तो इस तरीके से हमने अभी 4 रेशम केंद्र अभी स्वीकृत हुए हैं, 1 मरोतन में, 1 झंडूता में और 1 बाला में और 1 सेरवा में। संगासवी और बड़ोलियों में पहले से ही स्वीकृत हुए हैं और भवन भी बने हैं, तो 4 भवन और बनेंगे, और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा, सरकार से मेरा प्रयास अनुरोध भी है कि वहां एक डिवीज़न भी खोला जाए और इस रेशम पालन की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिले, आम जनमानस को, महिलाओं को, गरीब परिवारों को आर्थिकी सुधारने के लिए मदद मिले। बिलासपुर से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।